हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें प्याज चेक और आज की वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि किस तरह से थ्री लेटर्स सर्किल के अंदर लेटर बार क्रिएट किए जाते हैं डबल स्लिट के अंदर। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो। सर्किल के अंदर थ्री लेटर्स लेटर बार किस तरह से क्रिएट होंगे, मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, न्यू आर्ट बोर्ड पर गए, सर्किल लिया 150 बाय 150 का, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा इसके अंदर देखें अगर आप, तो कितनी लाइंस लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, सेंटर में एक लाइन लगाई। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया। अच्छा, इसका मैं फिल कलर ऑफ कर लूँ। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके मैंने क्या करना है, 14 का स्ट्रोक दिया, अलाइन स्ट्रोक इनसाइड, कुछ भी नहीं करना आपने। ऑब्जेक्ट में गया, एक्सपेंड अपीयरेंस, ओके। ठीक है, दोनों एक्सपेंड हो गई, लाइन की सिलेक्शन, सेंटर लाइन। ठीक है, अब हमने लाइन की 7 कॉपीज लेनी है, 1 2 3 4 हो गई, 5 6 7। ठीक है, 7 लाइन लग गई, सब लाइन्स को सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन हो गई। ठीक है, 3 लाइन सेंटर से भी लगानी है आपने, तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करके कंपाउंड पाथ के अंदर आए, 3 लाइन सेलेक्ट की, कंट्रोल सी प्रेस किया, बाहर आके डबल क्लिक कर दिया और कंट्रोल एफ प्रेस किया, कंट्रोल जी प्रेस किया ग्रुप करने के लिए, इनको रोटेट कर लिया, ई प्रेस करके ये आ जाएंगे। आपके पास पहले से ही आ रहे होंगे, मैंने ऑफ किए होते हैं, तो मैं ई प्रेस करके लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इनको मैंने रोटेट कर लिया इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर वाले निकाल दिए, साइड वाले निकाल दिए ये सारे। ठीक है, इस तरफ के ये निकाल दिए और यहाँ पर वही करेंगे जैसे हम पॉलीगॉन के अंदर कर रहे थे, 3 लाइन छोड़ के इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्रिड बन गई। अब हमने क्या करना है, तो कॉपीज ले लेते हैं, पहले ऊपर रखा यहाँ पर मैंने, मैंने 5 कॉपी ले ली, नीचे और मैंने डुप्लीकेट ले ली उसकी। ठीक है, और मैं इसका आर्ट बुक का साइज इसका बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई। ठीक है, सेलेक्ट किया, ये निकाल दी, ये निकाल दी, ये निकाल दिया, हमारे पास ए बन गया। ठीक है, लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट। ठीक है, बी बनाना है, ये बी हो गया, वही जैसे पहले कर रहे थे हम, एक बार इसको क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, ये वाला एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, कंट्रोल एफ प्रेस किया, ये वाला एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सी भी निकाल लेता हूँ और फिर क्या करेंगे, पाथफाइंडर पे आके इनको यूनाइट किया और इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके राउंड कर दिया, इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके हमने राउंड कर दिया। ठीक है, तो ए बी सी ये निकल गया, अब क्या निकालना है, बी सी और डी। ठीक है, तो ये हमारे पास बी हो गया, दोबारा इसको आप कर लिएगा। ठीक है, यहाँ पर सी कर दिया मैंने, मैंने डी कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, सी डी ई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सी ए हो गया आपका, यहाँ पर ये डी कंसीडर करेंगे, थोड़ा ओ लग रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों एंकर पॉइंट को कोने वाले सिलेक्ट करके थोड़ा सा राउंड कर दें, थोड़ा सा डी का शेप आ जाएगा, और राउंड करना है अंदर वाले को, तो फिर सबको सिलेक्ट करके आपने इस तरह से इनको भी सिलेक्ट करके आप हल्का सा राउंड कर दें। ठीक है, तो इस तरह से डी बन जाएगा, ई बनाना है इसको, तो ई हो गया आपके पास। ठीक है, अब डी ई एफ निकालना है, तो ये उल्टा डी हो गया। ठीक है, ये ई हो गया और यहाँ पर ये एफ बन जाएगा। ठीक है, ई एफ जी निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया मैंने, ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, ये निकाल दिए, ये निकाल दिया और यहाँ पर सेंटर में एक लाइन लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल पे गए, ऑर्डर के साथ ये निकाल दिया, इस लाइन को सिलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, ई एफ जी हो गया, अब क्या निकालेंगे, एफ जी एच। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम जी निकाल लेंगे और यहाँ हम एच निकाल लेंगे, एच इस तरह से भी अच्छा लगेगा, नहीं तो एक चीज़ हो सकती है, जैसे हम टू लेटर्स के अंदर कह रहे थे, यहाँ पर एक लाइन लगा रहे थे। ठीक है, और इसको निकाल दिया, ये निकाल दिया, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, सेंटर में लाइन लगाएंगे ताकि चीज़ सही लगे, यहाँ पर लाइन लगाई, सिलेक्ट करके ऑल्टर के साथ हमने शेप बिल्डर से उसको निकाल दिया, इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, एफ जी एच हो गया। अब जी एच आई निकालना है, इसको सिलेक्ट करके हमने निकाल दिया, इसको निकाल दिया। ठीक है, सेंटर से एक लाइन लगाई। ठीक है, ये हमारे पास जी हो जाएगा, तो जी, ठीक है, इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट। ठीक है, एच
यहाँ पे आई जे दोनों निकल सकते हैं तो वही चीज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लगाई, यहाँ पर एक लाइन लगानी पड़ेगी हमें, यहाँ पर जी एच आई निकाल दिया और जे निकाल दिया, ऐसे यहाँ पर भी एक लाइन लगा दूँ। ठीक है, इसके साथ सेलेक्ट किया मैंने, निकाल दिया, इस लाइन को सिलेक्ट करके दिया, इस लाइन को सिलेक्ट करके दिया। ठीक है, जी एच आई जे हो गया। आगे हमने क्या बनाना है, जी एच आई जे के बाद के एल और एम। ठीक है, तो क्या करेंगे, शेपुलर टूल लिया, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। ठीक है, एक बार इस पर क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, इसको सिलेक्ट करके डिलीट, कंट्रोल एफ प्रेस किया, इसको सिलेक्ट करके डिलीट। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करके मैंने पार्टनर पर जाके इसको यूनाइट कर दिया, इसको सिलेक्ट करके राउंड, सिलेक्ट करके इसको राउंड कर दिया, इनको सिलेक्ट करके इसको राउंड कर दिया। ठीक है, के एल और एम निकालना है अब आपने, तो ये हो गया आपका एल। ठीक है, एम पर आने के लिए सिंपली वही क्लिक करेंगे, जैसे हम डबल लेटर में बना रहे थे पेन टूल से। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करना है हमने। ठीक है, और थोड़ा सा सही कर लूँ उसको मैं, अजीब सा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी, इसको सिलेक्ट किया, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, इसको निकाल दिया, तो क्या हो गया ये के एल एम। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा एल, सेंटर में हम एम निकाल लेते हैं, अगर एम निकाल लेते हैं, एम के लिए वही चीज़ करनी पड़ेगी, हमें पेन टूल लिया हमने। अच्छा, ठीक है, मैं निकाल दिया, हो गया, सबको सिलेक्ट करके मैंने शेप बुलेट कर दिया। ठीक है, एन बनाना है, एन के लिए वही करेंगे, यहाँ पर गए सिला से हमने लगा दी। ठीक है, और हमने क्या किया, ये निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया एल एन 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 ओ। अच्छा, एन यहाँ का ले रहा हूँ, एन सेंटर में निकाल देते हैं, निकाल दिया, ये ओ हो गया। ठीक है, एम के लिए क्या कर रहा हूँ, इस बार को मैं सेलेक्ट किया, यूनाइट कर लिया, डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी प्रेस किया, कंट्रोल हाँ आ गया, सही है। ट्रांसफॉर्म पे गए, रिफ्लेक्ट किया, ओके कर दिया, सेट करके रख लूँगा, यहाँ पर ऊपर लेके चला गया मैं यहाँ पर। ठीक है, अब पीछे वाली साइड से हटानी है तो कंट्रोल एक्स प्रेस करके इसको रखा। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इन सबको शेप्स को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, कंट्रोल एफ प्रेस कर दिया, एम आ गया। सेंटर में एन बनाना है, एन बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करके हमने एन बना दिया। ठीक है, एम एन ओ हो गया। ठीक है, एन ओ पी करना है अब हमें। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर पी हो गया। ठीक है, एन बनाने के लिए इसको को निकाला और यहाँ पे जाके हमने लाइन लगा दी। ठीक है, और इसको निकाल दिया हमने, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। ठीक है, इसको भी निकाल दिया, एन ओ पी। ठीक है, ओ पी क्यू बनाना है, ये ओ हो गया, ये हमारे पास पी हो गया। ठीक है, क्यू बनाना है हमने, तो वही चीज़ ये हो गया ओ पी क्यू बनाना है ना, तो यहाँ पर इसको क्यू कर देते हैं। ठीक है, पी क्यू आर करना है, इसको निकालना हमने, इसको निकालना है, ये हो गया पी, ये हमारे पास हो गया क्यू। अच्छा जी, क्यू के लिए वही। ठीक है, आर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन लाइन लगाई। ठीक है, ठीक है, शेपबिल्डर्स हमने इसको निकाल दिया, इसको सिलेक्ट करके डिलीट, वही चीज़ जैसे हम सब जगह कर रहे थे बी के लिए, इन चीज़ों के लिए। एक बार इस पर क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने इसको सिलेक्ट करके डिलीट, इसको सिलेक्ट करके डिलीट, कंट्रोल एफ प्रेस किया, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट। ठीक है, इसके बाद हमने इन सबको सिलेक्ट करके यूनाइट कर लिया। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट करके राउंड, इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको राउंड। ठीक है, पी क्यू आर हो गया।
ठीक है, अब क्यू आर और एस बनना है हमारा, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यहाँ पर आर निकाल लेंगे हम और यहाँ पर एस बन जाएगा। ठीक है, आर के लिए फिर वही चीज़ करनी है, एक बार इस पर क्लिक किया, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लिया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट, कंट्रोल एफ प्रेस किया, इसको सेलेक्ट करके हमें डिलीट। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करके हम यूनाइट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके हमने राउंड कर दिया, दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके हमने राउंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्यू बनाना है, क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से क्यू बना लेंगे। ठीक है, क्यू आर एस हो गया, अब आर एस टी बनाना है, आर दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्यू आर नहीं और बनाएगा, मैंने सेट कर क्लिक किया। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट, कंट्रोल एफ प्रेस किया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट। ठीक है, सेंटर से एक लाइन लगा दी। ठीक है, इनके साथ सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन से मैंने इसको निकाल दिया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट। ठीक है, आर हो गया, अच्छा जी एस निकालना है, इधर हो गया हमारा ये एस और यहाँ निकालना है हमने टी। तो सिंपली क्या करेंगे, अच्छा जी इस लाइन को सेलेक्ट करके हम इधर लेकर गए। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट किया और हमने क्या किया, यहाँ पर ये निकाल दिया। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करके ये निकाल दिया, ये हो गया टी हमारे पास। अब इनको सेलेक्ट करके यूनाइट कर लिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने दोनों को सेलेक्ट करके राउंड कर दिया, और दोनों को सेलेक्ट करके हमने राउंड कर दिया। आर एस टी हो गया, एस टी यू बनाना है, तो ये हमारे पास हो गया एस, ये हमारे पास हो गया टी और ये हमारे पास हो गया यू। सही है, टी यू वी करना है, यहाँ पास यू हो गया, यहाँ पर वी हो गया और यहाँ पर टी बनाना है ना, तो हमने वही ऊपर से किया था, इस लाइन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर मूव किया हमने। ठीक है, सब कुछ सेलेक्ट किया, शेड टू लिया, इनको निकाल दिया, इनको निकाल दिया इस तरह से। ठीक है, टी यू वी, ठीक है वी यू वी डब्ल्यू ना, तो ये यू हो गया, वी डब्ल्यू। अच्छा जी, पहले तो सेंटर वाली लाइन निकाल लें उसकी, सब कुछ सेलेक्ट किया, ये हो गया हमारे पास, ये निकाल दी। ठीक है, फिर वैसे ही एम जैसे क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। ठीक है, वी हो गया, क्या था यू, वी निकालना है, मैं डब्ल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, वी किस तरह से करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हो गया, इसको सेलेक्ट करके कट कर लिया और इन लाइन्स को निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पास जी आ गया, अभी से लग रहा थोड़ा, लेकिन क्या करें, निकालना तो पड़ेगा ना, ठीक है। डब्ल्यू बनाने के लिए एम कहीं पर बनाया होगा तो उसको उल्टा कर दिया हम, सही है, मैं कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल सी प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे लाके कंट्रोल एफ प्रेस किया, कंट्रोल वी प्रेस किया, ट्रांसफॉर्म पे गया, रिफ्लेक्ट और मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेस पे रिफ्लेक्ट किया, कॉपी ले ली। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसका प्रेस लगा रहा हूँ, क्योंकि कंट्रोल एफ किया, इसके साथ सेलेक्ट किया और इन सब शेप को निकाल दिया। ठीक है, यू वी डब्ल्यू और वी डब्ल्यू एक्स, वी नहीं निकाला था, चल वी कैसे बन जा रहा था, वी उनको सेलेक्ट करके मैंने यूनाइट किया। ठीक है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ कंट्रोल वी, इसको रोटेट किया हमने। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस तरह से पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कर लूँगा पीछे वाली लाइन्स को डिलीट करने के लिए, मैंने शेप बिल्डर से ये लाइन्स निकाल दी। ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स हो गया, एक्स अच्छा कहीं बना लूँ पहले, नहीं उसके लिए क्या करेंगे, शेप बिल्डर टूल लिया, एक बार इधर क्लिक किया, एक बार इधर क्लिक किया, हाँ हो रहा है, क्योंकि सब शेप सेलेक्ट हुई थी, मैंने एक बार क्लिक कर दिया, अच्छा जी बाहर आ गया, इसको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर से एक बार इधर क्लिक किया, एक बार इधर क्लिक किया, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट, इसको सेलेक्ट करके डिलीट, कंट्रोल एफ प्रेस किया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट, इसको सेलेक्ट करके डिलीट। इस साइड के साथ भी यही करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करके रखा, इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके डिलीट, कंट्रोल एफ प्रेस किया, इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके डिलीट। ठीक है,
इन सब को सिलेक्ट करके हमने यूनाइट कर दिया, इन सब को सिलेक्ट करके, इन सब को सिलेक्ट करके हमने राउंड किया, इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके, इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके हमने राउंड कर दिया वी डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एक्स वाई। अच्छा जी, एक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाला, इसको निकाला, ठीक है। डब्ल्यू हम यहीं का लेकर आ रहे हैं, एक बार फिर इधर लेकर आए, ट्रांसफॉर्म पे गए, रिफ्लेक्ट कर दिया और वर्टिकली इसकी हमने कॉपी ले ली, ओके, इधर मूव कर दिया, कंट्रोल एक्स प्रेस किया, इसके साथ सेलेक्ट किया, इन सबको निकाल दिया हमने, ठीक है, कंट्रोल एक्स प्रेस कर दिया, सेंटर में एक्स निकालना है ना, इन सबको सेलेक्ट किया, एक बार इधर क्लिक किया, एक बार इधर क्लिक किया, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सेलेक्ट करके कॉपी ली इधर, ठीक है, और हमने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, कंट्रोल एफ प्रेस किया, इधर क्लिक करके डिलीट कर दिया, इसके ऊपर ये करेंगे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके डिलीट, को कंट्रोल एफ प्रेस किया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट, ठीक है, यहाँ पास सेलेक्ट करके राइट कर दिया, इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करके हमने इधर के भी राउंड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी कॉपी लेकर रखेंगे, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, हमने ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, इनको राउंड कर दिया, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, इस वाले एंकर पॉइंट को, इस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको राउंड कर देंगे, तो बस एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास वाई, ठीक है, अब एक्स वाई जेड बनाना है, एक्स मैं यहीं कर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करके डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एफ प्रेस किया, ट्रांसफॉर्म पे गया, रिफ्लेक्ट किया, ओके कर दिया, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स प्रेस किया, इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट, कंट्रोल एफ प्रेस किया, एक्स हो गया हमारे पास, ठीक है, वाई हमारे पास ये निकल गया, और ये हम यहाँ पर फाइनली जेड निकाल रहे हैं। तो सारे ये लेटर्स, थ्री लेटर लेटर मार्क हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप भी, तो यदि छोटी सी ट्रिक किस तरह से थ्री लेटर्स लेटर मार्क सर्कल के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इस वीडियो से आपने कुछ भी लर्न किया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, तो आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।